इसी बीच जमुई से भी बड़ी खबर है। जमुई से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दी, जहां पर सोने की खोज की जाएगी। जी हां, जमुई में अब सोने की खोज होगी, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और साथ ही केंद्रीय एजेंसियों से करार करने के दिशा में भी अब काम जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये भी बता दें कि खनन विभाग ने एक महीने में करार होने की उम्मीद भी जाहिर की है। तो जमुई के करमाटिया, झाझा और सोरों में सोने के भंडार के मिले हैं सबूत। 22 करोड़ 28 लाख टन सोना होने की जताई जा रही है उम्मीद, और केंद्रीय एजेंसियों से हो रही है बात, अपर मुख्य सचिव की ओर से कहा जा रहा है। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, जमुई में देश के सबसे बड़े सोने के भंडार की खोज होगी और केंद्रीय एजेंसियों से करार करने की दिशा में भी विभाग बढ़ रहा है। खनन विभाग ने एक महीने में करार होने की उम्मीद भी जाहिर की है। तो लगभग 22 करोड़ 28 लाख टन सोना होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है और केंद्रीय एजेंसियों से बात भी हो रही है। अपर मुख्य सचिव की ओर से ये स्टेटमेंट दिया गया है, ये बयान दिया गया है। तो जमुई में देश के सबसे बड़े सोने की भंडार की खोज होगी, जहां केंद्रीय एजेंसियों से करार करने की दिशा में भी अब इस पूरे काम को आगे बढ़ाया जा रहा है और खनन विभाग ने एक महीने में करार होने की भी उम्मीद जाहिर की है। यानी कि जमुई के करमाटिया, झाझा और सोनों में सोने के भंडार के सबूत भी मिले हैं, जिसके आधार पर अब जो उम्मीद है वो जताई जा रही है और इसी दिशा में अब काम भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो 22 करोड़ 28 लाख टन सोना होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं तमाम जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, ये पहले ही मामला सामने आया था और उसके बाद जो है राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई की जा रही है और जाहिर सी बात है उसको जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके ओर से मिल करके इसको एक तरह से पता लगाने की कोशिश की जाएगी और इसी दिशा में काम आगे बढ़ रहा है। जो खनन विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं हरजोत कौर, उनकी तरफ से एक बयान जारी किया गया और कहा गया है कि लगभग एक महीने हम लोग जो करार करना है केंद्रीय एजेंसियों से करार करना, वो करार करने के बाद और वहां पर जो सोने का एक तरह से कहें कि बड़ा भंडार है और कहा जा रहा देश का सबसे बड़ा कहेंगे भंडार है यहाँ पर सोने का, उसका पता लगाने की कोशिश होगी, क्योंकि कई जगहों के नाम वहाँ आए हैं, जैसे सोनू एक जगह है और इसके अलावा जो मतलब तीन क्षेत्र जो है जमुई के वो आए हैं। तो साफ तौर पे है कि एक बड़ी पहल जो है खनन विभाग की ओर से की जा रही है और तमाम तरह की जो कार्रवाइयां हैं वो कार्रवाइयां की जा रही है, क्योंकि ये जो सूचना आई थी कि वहां पर सोने का बड़ा भंडार हो सकता है, बड़ी जानकारी आई थी और अब इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और उसका उत्खनन का कार्य हो कि किस तरह से वहां पर पता लगाकर उसका उत्खनन किया जाए। अगर इतना बड़ा भंडार है तो जाहिर सी बात एक बड़ी बात होगी। बिल्कुल शैलेंद्र, और तेजी के साथ इस दिशा में काम भी हो रहा है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कोई अधिकारी भी वहां पर अभी किसी ने विजिट करा है? बिल्कुल, जब इसको पता लगने ही चुकी राज्य सरकार से पहल की गई और वहां पर एजेंसियों ने वो किया था, उसके बाद ही ये चीज सामने आई थी और उसके बाद जो राज्य सरकार की ओर से जो कार्रवाइयां हैं वो की जा रही हैं और अब जब करार हो जाएगा तो उसका जो चैलेंज। बिल्कुल, मेरा एक सवाल और होगा, आसपास के लोगों का क्या कहना है इसको लेकर, वहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कह रहे हैं जो लोग उसके आसपास रहते हैं? देखिए, साफ तौर पर है कि किस तरह से जो सूचना है अगर उसका भंडार मिलता है और जो चीजें आई थी, जो संकेत मिले थे, अगर उसकी पुष्टि होती तो जाहिर सी बात ये एक तरह से कहें कि गेम चेंजर साबित होगा। जम्मू ने इतना बड़ा जो सोने का भंडार अभी कहीं और नहीं मिला है, तो इस बात की एक बहुत बड़ा वो है और आसपास लोग हैं, वहाँ के लोग जो है वो अपने आप में रोमांच हैं, खुश हैं और एक अगर उनको भी अगर यहाँ पर जो आशंका जताई जा रही है और जिस चीज का संकेत मिल रहा है अगर वैसा होता है तो जाहिर सी बात है ये मतलब जमुई ही नहीं पूरे बिहार के लिए बड़ी बात होगी। बिल्कुल शैलेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। इसी बीच मोतिहारी से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 2 करोड़ से ज्यादा की लूट मामले में 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है और फिलहाल जो है पुलिस अब जांच